तू। सॉरी सॉरी अब अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी तेरा हो गया, तू तेरा हो गया, तू लग जा, तू जा। अरे बाबूजी नहीं होगा, मैं करता हूँ ना। अरे तुझे बोला ना भाई, तू जा जाके नाके कपड़े बदल के तैयार होके बैठ जा, जा। अरे मेहमान कभी भी आते ही होंगे, तू जा, जा। तेरा हो गया, तू लग जा। और एक बात कर ले। अरे मैंने कहा ना तू जा भाई। ठीक जा। जाऊं बाबूजी? तो बूढ़ा थोड़ा जल्दी कर बेटा। हाँ दादाजी। चाचा जी हाँ। आपको रस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मिक्सर में निकाल लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा अभी हो जाएगा। देखिए चाचा जी ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं तो फटाफट मिक्सर में रस निकाल लूंगी और तब तक जाके आप फ्रेश हो जाइए ना। अरे लेकिन बेटा तेरी मदद के लिए कोई तो इधर चाहिए ना। दादाजी मैं हूँ ना, मैं बॉबी दांडी की हेल्प कर दूंगा। अच्छा हाँ फ्रेश हो जाइए, मैं करता हूँ। कहाँ जा रहा? मैं वो जरा बबीता जी को पूछ लेता हूँ। बापू जी कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है? टप्पू है ना अंदर? हाँ टप्पू है, नहीं अंदर। एक मिनट आया हूँ बापू जी। सोए अभी कहाँ जा रहे? किचन में। क्यों? वो खाना तैयार हुआ कि नहीं पूछ लेता हूँ बबीता जी को जरा। अरे भाई खाना तैयार हो जाएगा तो बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि खाना तैयार हो गया है कि। बैठ जा बैठ। क्या हुआ? नहीं खाने की मस्त खुशबू आ रही है। नहीं बाबूजी लगता खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बबीता जी के हाथों में तो जादू है जादू। मेहमान तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आज बाबूजी। एक मिनट मैं आया। से कहाँ जा? नहीं मैं बोला वो। क्या बोला? कब बोला? नहीं नहीं अभी बोलने जा रहा हूँ। क्या? यही कि मेहमान अभी किसी भी वक्त आते होंगे तो जरा बबीता जी को पूछ लेता हूँ कि खाना सब तैयार हो गया ना। भाई जी यार तुझे बोला ना कि खाना तैयार हो जाएगा तो बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि खाना तैयार हो गया है या नहीं हो गया। हाँ वो भी है। बैठ जा तू शांति से बैठ जा। टप्पू खाना रेडी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे बबीता ने थैंक्स टू यू कि आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। वेल खाना टाइम पे रेडी हो गए सो हाई फाइव। चले जेठा जी। बबीता जी बाबू जी बबीता जी आ गए। हाँ दिख रहे हैं मुझे जेठा। हो गया खाना तैयार बबीता जी? हाँ हाँ सब तैयार हो गया। देखा जेठिया मैंने बोला था ना कि जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी। बापू जी सच बोला था आपने। बबीता जी आज आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं पूरे गड़ा खानदान की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू। अरे चाचा जी प्लीज ऐसे थैंक यू मत बोलिए। बबीता जी अय्यर भाई आपकी राह देख रहे होंगे तो अभी आपको अगर निकलना हो तो निकलिए। बाबू जी आज अय्यर भाई बबीता जी का बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम नक्की हुआ है। अच्छा ओ सॉरी सॉरी बेटा तुम्हें देर हो रही होगी। तुम जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं चाचा जी इट्स ओके अभी 8:20 तो हो ही गए हैं। 8:30 बजे आपके मेहमान आ जाएंगे। एक बार वो आ जाए तो मैं उनका खाना सर्व करके चली जाऊंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है बेटा, हम लोग है ना, हम लोग मेहमान को खाना परोस देंगे। चाचा जी इट्स ओके 10 मिनट की तो बात है, मैं वेट करती हूँ ना। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, एक काम करो आप शांति से बैठ जाओ।
कब से किचन में खाना बनाकर तुम थक गई होगी। खड़े खड़े कितना आइए बैठे बैठे यहाँ बैठ जाइए बाबूजी। आप इधर बैठे बैठे। तो कौन सी होटल में जाने वाले हैं खाना खाने बबीता जी? वेल फ्रैंकली आई डोंट नो। मैंने अय्यर को पूछा था पर उसने कहा कि इसे सरप्राइज। चलो आपको पता तो है आपको कौन सरप्राइज दे रहा है, हमको तो ये भी नहीं पता है हमको सरप्राइज कौन दे रहा है।